आ चुके हैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी रेड टेप की हॉल लेकर। फर्स्ट बॉक्स में आपको रेड टेप क्लासिक का वही क्लासिक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 5,699। हमेशा की तरह भूल जाओ इसे। जस्ट लुक एट दिस, भाई क्या डिजाइन है। मेजर लेवल कलर की बात करें, 3 बहुत ही स्टैंडर्ड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ व्हाइट है, ग्रे एंड ब्लैक है। पूरी बॉडी आपको लेदर की देखने को मिल जाएगी, मल्टीपल लेदर पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उस लेदर में भी ना आपको अलग अलग टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे जितना भी ऑफ व्हाइट वाला आप देख रहे हो ना पार्ट, वो कहीं कहीं पे आपको जैसे फ्रंट में साइड साइड में आपको टेक्सचर लेदर देखने को मिलेगा। वहीं कहीं कहीं पे ना जितने में आप होल्स देख रहे हो ना, वो पूरा प्लेन लेदर है। लेकिन वही होल्स के थ्रू आपको वेंटिलेशन में हेल्प हो जाएगी। सेम वेंटिलेशन के होल्स आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक वाले जितने भी लेदर है वहां पर भी आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा, और जितने भी ग्रे लेदर है वहां पर आपको थोड़ा ना स्वेट टाइप का फीलिंग दिया गया है, हालांकि ये स्वेट लेदर नहीं है। स्टिचिंग्स की बहुत सारी डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जूते में ब्लैक कलर के आईलेट्स देखने को मिलते हैं। एंड में आपको थोड़ा सा रबर वाला आईलेट जैसा डिजाइन देखने को मिलेगा। पूरा वेल पैडेड चौड़ा आपको टंग इसमें देखने को मिलता है, जिसके ऊपर में रेड टेप क्लासिक की ब्रांडिंग की गई है। टंग होल्डर देखने को मिलता है, व्हाइट कलर का लेस मिलता है, और पूरा टंग भी आपको मेश का नहीं बल्कि एक अलग से ना सॉफ्ट से फैब्रिक का देखने को मिलता है। आई डोंट नो ये क्या है मटेरियल, लेकिन बिल्कुल ही मेश जैसा सॉफ्ट है। बैक की तरफ आए तो यहाँ पर आपको बड़ा सा लेदर पैच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। आउटर साइड में देखोगे तो रेड टेप की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ठीक उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट ना पैच लगाया गया है प्लास्टिक का, बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। बैक की तरफ आपको एक प्लास्टिक का क्लिप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको रेड टेप की अगेन ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और ओवरऑल जूते में बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन इतना दौड़ने के बाद भी ना भाई जूता बहुत मिनिमल लग रहा है। रबर का पूरा आउटर सोल मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। नीचे में आपको उछलता हुआ सेर यहाँ पर मिसिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही कंटिन्यू हो रही थी वो डिजाइन, एक जैसी लगती थी सब में। लेकिन यहाँ पर आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ग्रिप ग्रिप में बाइक खतरनाक है। और अगर इन सोल की बात करें तो डेफिनेटली वन चांस की आप वीडियो देख रहे हो, जब तो मैं आपको बताऊंगा एकदम झंडू बाम जैसे नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त कुशनिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा मेमोरी फोम जैसा लचपच नहीं करेगा, लेकिन एक बहुत स्टेडी बाउंस आपको फील करवाएगा। ओवरऑल अगर जूते की बात करें 10 out of 10 दूंगा इसके प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, और उस हिसाब से जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर रही है डे बाय डे अपने स्नीकर्स में। बॉक्स आ गया हमारे पास में एक और खूबसूरत सा बॉक्स, लेकिन हर बार इनके ना बॉक्सेस भी बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके यहाँ पर एमआरपी लिखी हुई है भाई 6,099 रुपए। अब तक मेरे सारे व्यूअर्स ना इससे वाकिफ है कि ये क्या ड्रामा करती है कंपनी, मॉडल नाम है RS03844। आगे एशियन का सगा भाई, बहुत हल्का भी नहीं, बहुत भारी भी नहीं, एक बैलेंस टाइप का वेट फील होगा आपको। इसलिए अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर काइंड ऑफ टील ब्लू जैसा आपको कलर देखने को मिलता है, व्हाइट कलर देखने को मिलता है। मेनली अगर इसके बॉडी की बात करें, इसमें निटेड फैब्रिक का यूज किया गया है, बहुत खूबसूरत सी निटिंग डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। ड्यूअल थ्रेड में है, ट्रिपल थ्रेड में है, बेसिकली टील ब्लू थ्रेड भी है, व्हाइट तो आप देख ही रहे हो, और बैक में थोड़ा सा ब्लैक का भी आपको काम देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर फैब्रिक के स्ट्रॉन्गनेस की बात करें ना, तो 10 out of 10 आप देख सकते हो आराम से। मेश का आपको टंग तो देखने को मिलता है, लेकिन उतना ना ज्यादा इसमें पैडिंग नहीं दिया गया, हल्की सी पैडिंग है, लेकिन वाइड प्रॉपर है, चौड़ा है, अच्छे से आपके पैर में ग्रिप करेगा। और काइंड ऑफ सच बताऊं ना, तो थोड़ा सा ओवरऑल ना कॉस्ट कटिंग जैसा मेरे को फील होता है इसकी अपर डिजाइन में, लेकिन साइड साइड की पैडिंग वैडिंग आपको डिसेंट देखने को मिलती है। इनसोल की क्वालिटी भाई इसमें भी बहुत ताबड़तोड़ है। फटाफट मैं आपको निकाल के अच्छे से दिखाता हूँ। एक अच्छा खासा ना थिक फोम इसमें दिया गया है, जहाँ पर इसका नाम है रेड टेप सुप्रीम बाउंस ऑल डे कंफर्ट। एंड डेफिनेटली वो ऑल डे कंफर्ट आपको हंस के मिल जाएगा इसमें। बैक की तरफ आपको एक पुल टैप देखने को मिल जाएगा, सेम टील ब्लू कलर का। मेनली अगर इसके सोल की बात करें, आउटर सोल की बात करें, यहाँ पर आपको ईवे फोम तो देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कट्स एंड डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आउटर साइड में ना एक मेटालिक क्रोमिक टाइप का ना ब्लू, टील ब्लू जैसा कलर आपको देखने को मिलता है। वो बीरोल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि मैं क्या एग्जैक्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका डिजाइन बहुत खूबसूरत है, एक राउंड जैसा यहाँ पर एक ना कैप्सूल जैसा डिजाइन बनाकर देता है, जिसके ऊपर आपको रेड टेप का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल चूंकि जूता बहुत ज्यादा मैट फैब्रिक जैसा है, ग्लॉसी टाइप का क्लिप ना इसमें बहुत खूबसूरत सा डिजाइन ऐड करता है। बॉटम सोल की बात करें तो सिर्फ आपको ऊपर में और नीचे की तरफ हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिलेगा, नीचे में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। सीधी बात कहूं, ऐसे जूते ना बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, एशियन बना रहा है, कैम्स बना रहा है, और ऑलमोस्ट बाय बहुत सारी कंपनी बना रही है। और सच बताऊं तो उन सारे कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट्स ना कुछ हद तक ना सेम ही होते हैं, ये भी कुछ हद तक सेम ही है। लेकिन अगर आपको रेड टेप एज अ ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस जूते के लिए जा सकते हो। एक और गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि इसके जैसा इनसोल आपको किसी में नहीं देखने को मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा जूता है उसकी प्राइसिंग है भाई 8,999। पागल हो गया क्या ये? देखो इस बार भी एक नया सा बॉक्स आ गया हमारे पास में। अच्छा, ताज़ निकालो प्रतियोगिता। क्या लुक दिया हुआ इसको, लुक की बात हम बहुत अच्छे से करेंगे इसमें। और अगर वेट की बात करें तो अगेन वही बीच बैलेंस टाइप का आपको फील होगा। मेनली जो इसका वेट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है इसके आउटर सोल में ही। मेजरली इसमें आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेंगे, सारे जूते के आपको मल्टीपल कलर देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डोंट वरी। पूरी बॉडी इसमें आपको मेश की देखने को मिल जाएगी, थोड़ी आपको निटिंग की भी काम देखने को मिलेगी। ओवरऑल
वाला जो डिजाइन निकल के आ रहा है, अब अच्छे से बीरोल में देख लो कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन इस फैब्रिक की ना एक बहुत बड़ी कमी है जो मैं आपको एंड में बताता हूँ। लेस होल्स के साइड में आपको रबर की कोटिंग देखने को मिल जाएगी, आउटर साइड में आपको सिल्वर कलर की रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो कि व्हाइट के ऊपर बहुत खूबसूरत लग रही है। हालांकि इनर साइड में नहीं है ना, थोड़ा सा मिसिंग जैसा फील होता है। रंग की अगर बात करें, बड़े बड़े इसमें आपको मेस देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के है। ऊपर में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। उतना ज्यादा थिक इसका फोम नहीं है, लेकिन चूंकि अच्छी क्वालिटी का मेश है ना, ओवरऑल जो आपको कुशनिंग या जो ग्रिप फील होगा ना, वो बेटर फील होगा। व्हाइट कलर का आपको लेस देखने को मिलता है, साइड साइड की पैडिंग या इसका कॉलर कट बहुत तगड़ा है, सपोर्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। इंसोल भाई इसमें भी आपको ताबड़तोड़ मिलता है, कोई कंप्लेन नहीं है इंसोल में। रेड टेप ड्रिफ्ट प्लस लिखा हुआ, हालांकि ये मेमोरी फोम ही है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का मेमोरी फोम है। बैक की तरफ आपको एक नायलॉन जैसे फैब्रिक का पुल टैप देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको रबर का एक बड़ा सा पैच देखने को मिल जाएगा जो कि बेसिकली डिजाइन का एलिमेंट है। मेनली जो इस जूते में खूबसूरत पार्ट है ना, वो है इसका आउटर सोल। इस जूते में जो फोम यूज किया गया ना गाइस, मिड सोल में, सही बता रहा हूँ, हाई एंड 15-20 हज़ार के ना एडिडास के जूते के लेवल का है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एनर्जी रिटर्न टेक्नोलॉजीज नहीं घुसी होगी, लेकिन ओवरऑल टच एंड फील की बात करें एज अ नॉर्मल कंज्यूमर, आपको बहुत अच्छी कुशनिंग इसमें मिलने वाली है। साथ ही बीच में आपको वो होल जैसी डिजाइनिंग भी देखने को मिलेगी जो कि एक बेटर बाउंसनेस आपको देती है जूते जब भी आप पहनोगे। तो वही क्लिप आपको ऊपर में भी देखने को मिल जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट से लाइट ग्रे जैसा हो जाता है। बैक की तरफ देखोगे तो थोड़ा एग्रेसिव लुक इसका आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर देखोगे ना तो छोटे छोटे ना ऐसे नुकेले जैसे दाने निकले हुए दांतों की तरह, ये आपको जूते को ना खोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बस ऐसे पैर से फंसाओ और ऐसे करके अपना पैर निकाल लो। नीचे में पूरा आपको हार्ड वर्क ग्रिप देखने को मिल जाएगा, रेड टेप की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल भाई जूता एकदम टॉप नॉच बनाया है। अगर आपको एक कंफर्टेबल रेगुलर यूज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जिम के लिए एक मल्टीपर्पज वाला जूता चाहिए ना, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। व्हाइट कलर थोड़ा सा मेंटेनेंस खोजता है, इसलिए आप इसके मल्टीपल कलर चूज कर सकते हो। हालांकि इस फैब्रिक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर ऊपर से ये गंदा होता है ना, तो वो आप धोकर साफ कर सकते हो। लेकिन सपोज कि एक टमाटो केचप का बूंद यहाँ अगर गिर गया ना, वो बूंद सिर्फ ऊपर सरफेस में नहीं बल्कि उसके नीचे तक डिप हो जाता है, जिसके कारण ऊपर की तो आप गंदगी साफ कर लोगे, लेकिन अंदर तक ना वो दाग पकड़े रह जाता है। लेकिन ओवरऑल गाइस जो जूता बनाया है ना रेड टेप ने, वो वापस से कहूंगा बवाल है, बेस्ट है, जाना चाहे हंस के जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट एक और मेरे पास स्पोर्ट्स शू है रेड टेप का, जिसकी प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 7,600। फटाफट जूते को देखते हैं, एक्चुअल जो प्राइस देखोगे ना उसमें आपको मजा आ जाएगा। पहले इस लुक को देखो, इससे भी आपको मजा आने वाला है। अगर आपको नहीं पता बता दूं भाई, हम सारे रेड टेप के जूते को अनबॉक्स करते हैं बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, आपको रियल रिव्यू देते हैं। तो मेक श्योर कि हमारे सारे वीडियोस को देखा करें अगर आपको एक सही प्रोडक्ट खरीदना है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं आपका भी चैनल है। कमेंट में लोग होशियार बनेंगे, मेरा चैनल है तो मेरे को दे दो। जूता इस बार लाइट फील हो रहा है जो कि डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन में ना बहुत अच्छे से काम किया। मेनली इसकी भी बॉडी आपको मेश की देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये जो मेश है ना, ये नॉर्मल मेश नहीं बल्कि इस टाइप का मेश आपको नाइकी वाइकी के हाई एंड जूतों में देखने को मिलता है। और सर आपको रबर का कोटिंग देखने को मिल जाएगा जो कि आपके जूते को मड से प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली अगर इसके कलर की बात करें ना, तो शॉर्ट ऑफ पाउडर ब्लू, स्काई ब्लू जैसा आपको फील होगा। आउटर साइड में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, सेम वही पाउडर ब्लू कलर का आपको लेस देखने को मिलता है। पूरा मेश का आपको टंग देखने को मिल जाएगा, पैडिंग इसमें ना के बराबर है, लेकिन मेश की क्वालिटी चूंकि बहुत अच्छी है ना, ये अपने में एक सॉफ्ट मटेरियल जैसा ही आपको फील होगा। टंग के ऊपर आपको एक फुल टैप देखने को मिलेगा, जहां पर इन्होंने भाई डिजाइन पे ना खतरनाक काम किया है। एक आपको फैब्रिक देखने को मिलेगा जिसमें ड्यूअल कलर है, और ठीक उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जैसा ना रबर यहाँ पर रैप किया हुआ है, जिसके ऊपर आपको रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाएगी। डिजाइनिंग लेवल पे ना भाई और मटेरियल सिलेक्शन लेवल पे मैं इस कंपनी को ना भाई चुम्मा देना चाहता हूँ, क्या काम कर रही है कंपनी। साइड साइड की पैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, इंसोल की जो क्वालिटी है वो तो अच्छी है, लेकिन कलर बहुत ज्यादा घटिया है। ब्लू डाल देते, ब्लैक डाल देते, व्हाइट डाल देते, कुछ भी डाल देते, मैं दिल डाल देता उस पे, लेकिन अभी नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज है। बैक की तरफ आपको एक फुल टैप देखने को मिल जाएगा, साइड साइड में और आपको रबर की कोटिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर लिखा हुआ ड्रिफ्ट प्लस ये वो लाना फलाना लंबा चौड़ा लिख देते हैं, कुछ नहीं होता इन सारे वर्ड्स का। मेनली अगर इसके आउटर सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको ईवी फोम तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग सी डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। बहुत सारे होल्स आपको देखने मिलेंगे, और ये होल्स बस गिमिक नहीं है, रियल होल्स हैं, जो कि आप इस तरफ से ना नीचे की तरफ से आप देख सकते हो, ये पूरा क्रॉस कर रहे एक टनल जैसा। ऐसे होल्स वेट को पहले तो बहुत ज्यादा कम करते हैं जूते के, और साथ ही बहुत ज्यादा बाउंसी बनाते हैं। अब इन दोनों फोम के बीच में ये गैप है, इसको दबने का ना बहुत अच्छे से मौका मिलता है, वो आपको ना बाउंस फील होगा आपके पैरों में। मेनली जो पोर्शन जल्दी घिसता है वहां पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। हालांकि एक बहुत गंदी चीज मुझे क्या लगी कि इतना खूबसूरत जूता बनाने के बाद भी ये सोल में जो इन्होंने पेंट किया है ना डार्क ब्लू टाइप,
टाइप के कलर का। एक तो ये पेंट की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, हालांकि अगर ये चीज आप इग्नोर कर सकते हो जो कि बस डिजाइन का पार्ट है, ओवरऑल जूता बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड डेफिनेटली खरीदने लायक है। हालांकि बता दूं कि एकदम से ना कैजुअल वेयर में नहीं जा सकता, थोड़ा सा स्पोर्ट्स लुक कैरी करता है ये। मे बी अगर इसका ब्लैक कलर, ग्रे या व्हाइट कलर लोगे ना तो वो थोड़ा कैजुअल हो जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन। उल्टी नहीं कर सकते, जूता आपका दिल जीत लेगा। जस्ट लुक एट दिस भाई, इसकी डिजाइनिंग एक बास्केटबॉल स्नीकर जैसे की गई है, बहुत ज्यादा कूल लग रही है। मेनली अगर इसमें कलर की बात करें, हमने ब्लैक एंड व्हाइट कलर चूज किया, इसके आपको मल्टीपल खूबसूरत खूबसूरत कलर देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा ना आपको अलग सा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि ऊपर से अगर देखोगे तो पूरा जूता आपको रबर कोटेड ही देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग पैटर्न है, कहीं पे स्मूथ छोड़ा गया, कहीं पे कट्स वर्ड्स डाले गए हैं, और उसके नीचे कहीं कहीं पे आपको टेक्सचर्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर की अगर बात करें ना, तो बीच में आपको मेश मिलने वाला है, कुशनिंग पैडिंग मिलने वाली है। अंदर से ये जूता आपको बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, पूरा मेश का आपको बड़ा सा टंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बास्केटबॉल स्नीकर है। इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी इस तरह से होती है, राउंड लेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ लेस होल्स आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और कुछ थोड़े थोड़े ना लूप्स में बनाए गए हैं। आउटर साइड में आपको उछलता हुआ सेर देखने को मिल जाएगा, विच इज रेड टेप का लोगो। दूसरी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ आपको थोड़े से पैचेस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, और थोड़ी सी ना डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। बैक में आपको पूरा ब्लैक कलर का पार्ट देखने को मिलता है, जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। और अगर फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलिएस्टर नायलॉन टाइप का ना फैब्रिक फील होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन डिजाइनिंग की भी बात करें, यहाँ पर बहुत सारे रसगुल्ले आपको देखने को मिलेंगे उछलते हुए, रसगुल्ला नहीं बल्कि कावा जामुन, गुलाब जुलूम। बैक में आपको कोई पुल टैप नहीं मिलता, और जैसा स्टैटिक होता है किसी भी बास्केटबॉल स्नीकर का, बैक से थोड़ा सा लो दिखेगा और साइड साइड में ना थोड़ा ग्रिप होता है इसके पास में। मेनली अगर इसके आउटर सोल की बात करें, यहाँ पर आपको ईवी फोम देखने को मिलता है, साइड में आपको एक बड़ा सा ग्लॉसी क्लिप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट का भी काम करता है, साथ ही डिजाइन का भी पार्ट है, बहुत अच्छा लगता है। नीचे की तरफ आपको पूरा हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएगा, जो कि होना ही है, क्योंकि एक बास्केटबॉल स्नीकर यहाँ पर ट्रैक्शन में, ग्रिप में बहुत ज्यादा काम किया जाता है। और चारों तरफ ना वो आपको राउंडनेस देखने को मिलेगा, बैक में आपको पूरा रेड टेप का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो, उछलते हुए सेल को मिस कर रहे थे, ये रहा वो। बाकी इन सारे जूतों की जो क्वालिटी है ना, देखो थोड़ी मोड़ी किसी ना किसी में कमियां होती है, लेकिन सारे जूते बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। और अगर ये वीडियो चाहिए, मेरे वीडियो लाइक करके चैनल ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज बहुत ज्यादा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।